रोहतास जिले के नासिकगंज प्रखंड के परसिया पंचायत के परसिया गांव में जिले का पहला ठोस एवं तरल अवशिष्ट प्रबंधन इकाई केंद्र का उद्घाटन गुरुवार को उप विकास आयुक्त शेखर आनंद ने फीता काटकर किया। इस दौरान उन्होंने ठोस एवं तरल प्रबंध इकाई केंद्र के परिसर के चारों तरफ पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से लगे पौधों का निरीक्षण किया। इसके बाद पुनः पौधारोपण भी किया। DDC शेखर आनंद ने कहा कि नासिकगंज के लिए गौरव की बात है कि परसिया पंचायत में जिले का पहला ठोस एवं अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई केंद्र बना है। संपूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत सरकार जब जनता के लिए इतना कुछ कर रही है तो आम जनता का भी कुछ दायित्व बनता है। कचरा जहां भी बिखरा हुआ है मिले सभी को एक जगह जमा करें। इस जमा कचरे का प्रोसेसिंग कर जैविक खाद का निर्माण कराया जाएगा, इससे गांव व समाज स्वच्छ रहेगा। उन्होंने कहा कि गांव व समाज में एक संदेश जाना चाहिए कि कचरा यत्र तत्र ना फेंके। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों समेत मुखिया व पंचायत की जनता की सराहना करते हुए उन्हें साधुवाद किया। उद्घाटन कार्यक्रम पंचायत की मुखिया अनिता देवी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। उद्घाटन कार्यक्रम के पूर्व मुखिया ने DDC समेत सभी अधिकारियों को बुके देकर सम्मानित किया। मुखिया अनिता देवी ने कहा कि परसिया पंचायत अब शहरों जैसा साफ सुथरा दिखेगा। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था से पंचायत साफ सुथरा रहेगा, वातावरण प्रदूषण मुक्त रहेगा, जिससे लोगों में बीमारियों का खतरा भी कम हो जाएगा। स्वच्छता से मानसिक विकास होता है। जिस तरह से हम लोग अपने शरीर को स्वच्छ रखते हैं उसी तरह हम लोगों को वातावरण को भी स्वच्छ रखना चाहिए। मुखिया प्रतिनिधि कौशल कुमार ने बताया कि उक्त प्रसंस्करण में एक दर्जन इकाई के अलग अलग भाग में कचरा को एकत्र कर संग्रह किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने स्वच्छता अभियान को सफल बनाने के लिए पंचायत की जनता से सहयोग करने की अपील की। BDO मोहम्मद जफर इमाम ने बताया कि कचरा यत्र तत्र फेंकने से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके कई दुष्प्रभाव होते हैं जो सीधे नहीं दिखते। उन्होंने ग्रामीणों से अनुरोध किया कि अपने घर के आगे और गांव को स्वच्छ रखें। सभी लोग घरों के आगे लगे डस्टबिन का प्रयोग करें। कचरे को यत्र तत्र फेंकने की आदत छोड़नी पड़ेगी, जिससे पूरे पंचायत का संपूर्ण विकास होगा और स्वच्छता की अलग जगेगी। रोहतास से राहुल मिश्रा की रिपोर्ट। तो परसिया पंचायत पहला पंचायत था जहाँ पर ये प्रोक्योरमेंट का कार्य हुआ था और ये WPU भी पूरे रोहतास जिले में पहला WPU जो पूरे जिले में फाइनलाइज हुआ है। तो आप लोगों के सक्रिय और सकारात्मक सहयोग से स्वच्छ भारत मिशन में जितना भी सकारात्मक काम हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं परसिया का नाम सर्वप्रथम और अग्रणी के रूप में आ रहा है। इसके लिए आप लोग सब धन्यवाद के पात्र हैं। इसी में हम लोगों का विचार हुआ जब जिला स्तर पर हम लोग मंथन कर रहे थे तो ये था कि यहाँ पर कुछ विशेष कार्य करवाया जाए, क्योंकि हम लोग अग्रणी भूमिका आप लोग निभा रहे हैं। तो यहाँ का जो WPU है अच्छा बना हुआ है, जैसा कि सामने दिख रहा है, इसका भी हम लोग विजिट भी करेंगे। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि कहीं ना कहीं एक जनमानस के अंदर संशय रहता है कि कहीं ना कहीं यहाँ से इसको और स्वच्छ बनाने का, तो इसी पहल में हम लोगों ने वहाँ जो विचार मंच चयन किया है जिनका कि कार्बन डाइऑक्साइड सोखने का जो क्षमता होता है वो बहुत अधिक होता है और यहाँ की जो मिट्टी में प्रदूषण होगा उसको भी ये पौधे रोकेंगे। उसी विषय को उसी केंद्र बिंदु से इन सारे पौधों का स्पेशल तरीके से चयन किया गया है ताकि ये जो पूरा एरिया है ये प्रदूषण मुक्त हो और काफी अच्छे तरीके से हेल्दी एनवायरमेंट में डेवलप हो। और आगे जो हम लोग का विचारधारा है कि ये जो WPU है ये हम लोग का विचार होगा कि इसको एक मॉडल WPU के रूप में हम लोग पूरे स्टेट में प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पर आगे आपके रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सोलर लाइट, जल जीवन हरियाली के जितने भी कंपोनेंट्स हैं जिससे कि इसकी सस्टेनेबिलिटी सतत जो इसका क्रियाशील रहना है उससे हम लोग आच्छादित करवाएंगे और उस दिशा में द्रुत गति से काम होगा। आशा यही है कि परसिया पंचायत में और इसका रोल मॉडल के रूप में पूरे रोहतास जिले में जहां जहां हम लोग इसका दोहरीकरण रेप्लीकेट कर पाएंगे वहां हम लोग करेंगे और ऐसे अनुपम उदाहरण आप लोग परसैया को और पूरे रोहतास को एक अलग विशिष्ट स्थान देगा और ये हम लोग विभाग में भी इसको पेश करेंगे। आप लोगों का सकारात्मक सहयोग स्वच्छ रखने में, स्वच्छता में और एक स्वस्थ समाज के निर्माण में हमेशा अपेक्षित है। आशा है कि जैसे आप लोग अभी तक सकारात्मक सहयोग देते रहे प्रशासन को आगे भी देते रहेंगे। अभी हम वीडियो साहब से परीक्षा कर ही रहे थे कि जो डस्टबिन वगैरह बांटे गए हैं क्या उनका सही तरीके से यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उनके द्वारा बताया गया कि काफी अच्छे और उत्साहवर्धक तरीके से आप लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। ये काफी हर्ष का विषय है और यही सब चीजें हैं जो हम लोग को प्रेरित करती हैं कि हम लोग और भी उपयोगी योजनाएं और नवाचार यहाँ पर करें।
इसके लिए आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं, पूरी परसैया पंचायत की जनमानस।